हाँ रिवाइज नहीं करते हो। एनीवे आज हम करेंगे क्लिनिकल असेसमेंट्स, ठीक है। जब से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा कि ब्रेन को कैसे टेस्ट करते हैं ना, क्या टेक्निक्स है ब्रेन के फंक्शंस, ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने की, राइट। उसके बाद हमने स्कूल्स ऑफ डिसऑर्डर्स पढ़ लिए कि एबनॉर्मैलिटी हम किस किस तरह से देख सकते हैं, बिहेवियरल, साइकोडायनेमिक, ये वो फलाना ढमकाना, ठीक है। उसके बाद लास्ट टाइम हमने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी देख लिया कि कोई डिसऑर्डर होता है तो हम उसको मतलब क्या मैनुअल हम कैसे करते हैं, क्या हमारा क्राइटेरिया, किस बेसिस पे हम करते हैं, है ना। एक सॉर्ट ऑफ बाइबल समझ लो, बाइबल ऑफ साइकोलॉजी इज़ वॉट, DSM एंड ICD, राइट। तो अब वो भी कर लिया। अब इतना सब कुछ हमने कर लिया जब ऑलरेडी, तो हमारा नेक्स्ट लॉजिकल चीज़ करने वाली क्या हुई? यही कि असेस कैसे करेंगे अब हम, है ना। कोई आइडिया है क्लिनिकल असेसमेंट्स क्या हो सकती है? एग्जाम्पल नहीं चाहिए, बस आपके अंडरस्टैंडिंग क्या है कि वॉट डू यू मीन बाई क्लिनिकल असेसमेंट्स? हाँ इन्वेंटरीज, हाँ इन्वेंटरीज, हाँ नहीं बट मतलब क्या हुआ क्लिनिकल असेसमेंट्स का? हाँ वेरी गुड। तो हमारे के सारे टेस्ट ऐसे ही होते हैं कि हम किसी को दे देते हैं, फिर वो फिल करते हैं और फिर हम स्कोर करते हैं, सारे ऐसे ही होते हैं? अच्छा तो और कैसे होते हैं, और किस तरह के टेस्ट होते हैं? EEG तो वो क्लिनिकल असेसमेंट हुई, तो फिर नहीं कैसे है पार्ट, वो क्लिनिकल असेसमेंट कैसे हुई? तुक्के मत मारो, तुम ओवर स्मार्ट, बताओ बताओ। अच्छा अगर सिर्फ स्कोरिंग दे दिया और वो स्कोर करते सिर्फ ऐसे नहीं होते तो और कैसे हो सकते? अच्छा तुम्हें क्या लगता है कैसे और हो सकते हैं? हाँ उनसे आप असेस कर लोगे, आपके प्रैक्टिकल में हम क्या कर रहे हैं? क्या जोर से बोलो, जोर से। हाँ तो वो क्या है? ओके वो असेसमेंट है, वो उसमें क्या बेसिक करते हैं हम देते हैं, खुद करते हैं वो लोग, हम स्कोर करते हैं, इसको क्या कहते हैं हम? सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी। एज द नेम सजेस्ट, सेल्फ रिपोर्ट मतलब हम खुद ही बताते हैं, वो हमें, वो हमसे नहीं पूछते हैं, हम वो हमें बस एक क्वेश्चनर देते हैं, एक इन्वेंटरी देते हैं, अ लिस्ट विच हैज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चन विच वॉन्ट्स टू असेस समथिंग, उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंटरी कहते हैं, ठीक है। तो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी मतलब हम खुद ही रिपोर्ट कर रहे हैं। चलो ये तो एक तरह की हो गई, एक और तरह की होती है जिसमें हम उनसे एक्चुअली, वो हमें इनडायरेक्टली बताते हैं। इसमें तो वो डायरेक्टली बता रहे हैं ना, सामने सवाल है कि ओ एग्री डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री स्ट्रांगली डिसएग्री, डू यू फील, नहीं क्वेश्चन है आई फील सैड मोस्ट डेज, एंड देन यू आंसर, आप अपने हिसाब से आंसर कर दिया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अ डायरेक्ट मेथड, राइट। डायरेक्टली हमने पूछ लिया, आपने डायरेक्टली आंसर कर दिया, इसमें हमने ज़्यादा क्रॉस चेक नहीं करा कि सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वी जस्ट अज्यूम कि जिसको हमने दिया ये टेस्ट वो ऑनेस्टली इसको आंसर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर टाइप ऑफ टेस्ट, दिस सारे जो डायरेक्ट टेस्ट आते हैं उनको हम कहते हैं नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट, एंड जो इनडायरेक्ट होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट। सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी इज अ नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट, प्रोजेक्टिव का मतलब समझते हो आप? हाँ स्क्रीन पे देखना है ना, प्रोजेक्शन का मतलब प्रोजेक्टर, समझ आ रहे है? जैसे मूवी देखने जाते हो तुम लोग तो हॉल में स्क्रीन तो ऐसे वाइट सा ही होता है ना, स्क्रीन पे तो कुछ नहीं चल रहा होता, वो एक छोटा सा उन्होंने VCR टाइप लगाया होता है, उससे कुछ इमेजेस निकलती हैं, वो बड़े से स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होती है। मतलब क्या, एक खाली स्क्रीन है उस पर कुछ आ रहा है,
तो सिमिलरली व्हाट वी मीन बाय प्रोजेक्टिव टेस्ट इज बेसिकली हमारा जो टेस्ट है उसको समझो वो एक खाली स्क्रीन है, वो हमारी मूवी का खाली स्क्रीन है, एंड जो हमारा क्लाइंट है या पेशेंट है वो हमारा VCR है। तो जो भी उनकी पर्सनैलिटी है या जो भी उनकी कंसर्न्स हैं, इश्यूज हैं, जो हम डायरेक्टली उनसे पता नहीं कर पा रहे हैं, वो इनडायरेक्टली हम उस टेस्ट पे एज अ स्क्रीन वो प्रोजेक्ट करते रहते हैं। हम उनसे इस तरह से सवाल पूछते हैं, इस तरह के उन्हें इमेजेस दिखाते हैं, इस तरह से सिचुएशन उन्हें देते हैं, एंड हम पूछते हैं कि अच्छा इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको क्या दिखता है, इसमें आपको क्या लगता है। हम डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं कि आप सैड हो नहीं हो, आपको कैसा फील, क्या हुआ, अरे खा थोड़ी ना जाएगी चिपकली। यार आज लोग बहुत तंग कर रहे हो तुम सब, अरे उधर बैठ जाओ पीछे बैठ जाओ। हो गया यार, जिसको बात करनी है सबसे लास्ट बेंच पे जाओ, बातें करो, शोर मत मचाओ, धीरे धीरे बातें करो, ठीक है, क्लास डिस्टर्ब मत करो, फाइन। हाँ जस्ट डोंट डिस्टर्ब द क्लास, ऑलरेडी आज बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो तुम सारे, बोलो उसको। हो गया, हेलो, अरे तो उठ के उधर चले जाओ ना, पांव ऊपर करके बैठ जाओ, क्या कर लेगी वो, आधी क्लास ऐसे ही निकल चुकी है, हमने कुछ स्टार्ट नहीं करा। सब बंद कर देना उसको, दरवाजे को, थैंक यू। क्या बोल रही थी मैं, क्या बता रही थी, क्या समझ आया तुम्हें प्रोजेक्टिव टेस्ट से, पीछे वाले बताओ। ओके, कैसा मेथड है ये, वेरी गुड। तो बाय प्रोजेक्टिव टेस्ट वी मीन कि हम अपने क्लाइंट से, हम अपने पेशेंट से डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं, एंड ऐसा भी हो सकता है जैसे कि कुछ पेशेंट्स डायरेक्टली सारी इन्फॉर्मेशन हमें बताते भी नहीं है। प्रोजेक्टिव टेस्ट कम फ्रॉम, अच्छा कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है जो कहते हैं अनकॉन्शियस पे फोकस करो, वेरी गुड। तो जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है दे आर ऑल, दे हैव देयर बेसिस इन साइकोडायनेमिक्स। ठीक है, प्रोजेक्टिव टेस्ट ये कह रहे हैं कि कौन, हम सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी में जो कॉन्शियस है हम जिस चीज़ के बारे में हम वही बताएंगे ना, तो वो तो हमने कॉन्शियसनेस यहाँ पे कर ली, जो आप चीज़ आपको पता है, आप अवेयर हो, जो आपको समझ आ रही है वो आप यहाँ पे बता रहे हो, बट मे बी देर आर ऑल्सो लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर अनकॉन्शियस, है ना। वी ऑल्सो, आपने मूवीज देखी होंगी या साइकोलॉजी में कुछ भी पढ़ा है, तो इतना तो हम बात करते हैं ना कि लॉट ऑफ टाइम्स देर इज सम चाइल्डहुड ट्रॉमा विच इज अनकॉन्शियस, समथिंग हैपन बट वी डू नॉट नो अबाउट इट, समथिंग इन्फ्लुएंसेज अस बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, वी हैव अ सर्टन पैटर्न ऑफ डूइंग समथिंग। जैसे कि आप लोग खुद सोचो, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, स्कूल से लेके अभी तक जितने भी फ्रेंड्स हैं सोसाइटी वाले यहाँ वहाँ सबके, डू यू थिंक कि उनमें कोई एक सिमिलर पैटर्न है, एक ही तरह के लोग हैं, चाहे वो कितने मतलब डिफरेंट जगहों पे आपको मिले हो, बट डू यू थिंक कि उनमें कुछ पैटर्न है, कि डू यू थिंक कि सारे एकदम ही अलग है, कहीं से आ गए कोई कोई, बिल्कुल ऑपोजिट, व्हाट डू यू थिंक आंसर, कुछ सिमिलैरिटी लगती है आपको कि हम थोड़े से ऐसे लोगों की तरफ ज़्यादा होते हैं। यू वुड हैव ऑल्सो हर्ड कि कहते कि ओ कुछ लड़कियां हैं वो सिर्फ टॉक्सिक पार्टनर्स ही चूज़ करती हैं, है ना, रेड फ्लैग्स, बैड बॉयज, ये वो ये वो। ऐसा भी कहते कि कुछ लड़के होते हैं उनको सारी हाई मेंटेनेंस लड़कियां ही पसंद आती है, कोई सिंपल लड़की अच्छी नहीं लगती। तो हाँ हाँ, चॉइसेस, गुड। तो व्हाट डू यू थिंक इन्फ्लुएंसेस आर चॉइसेस,
जनरली बता यार. हाँ, पास्ट एक्सपीरियंसेस, राइट. अब आपके जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, क्या आपको हर एक चीज़ एकदम क्लियरली याद है, और उसका क्या इफेक्ट आप पे आ रहा है वो भी आप क्या क्लियरली समझ सकते हो? आराम से खा लो, ऊपर रख के खा लो, खा लो, इट्स ओके, पर आराम से खाओ ऊपर रख के. हाँ हाँ, प्रॉबली नो, राइट. तो अगर सपोज करो कि समबडी इज़ कमिंग टू यू एंड दे टेल यू कि लिसन, नाम बताओ अपना. लिसन अनुराग, ओके, सपोज दिस गाय इज़ कमिंग टू यू एंड इज सेइंग कि लिसन अनुराग, आई हैव बीन डेटिंग दिस गर्ल एंड शी चीटेड ऑन मी, ठीक है, एंड आई एम वेरी हार्ट ब्रोकन. एंड यू नो वॉट, इससे पहले वाली जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, शी ऑल्सो चीटेड ऑन मी. एंड यू नो वॉट, उससे पहले वाली जो गर्लफ्रेंड थी वो कभी मेरे से बात ही नहीं करती थी. शी वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू अदर गाइज. तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं हमेशा ऐसी लड़कियाँ क्यों आती हैं मेरे पास. तो वॉट वुड यू से टू दैम? हाँ, प्रॉब्लम्स इन यू. एंड आप उनको, आप उन्हें कैसे समझाओगे कि वो कहेंगे मेरे में क्या प्रॉब्लम है भाई, गलती तो लड़की थी, गलत तो लड़की थी, गलत तो उसने किया, मेरे में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, आई हैव टू, राइट. अब यू से, आप उसको कहते हो कि ठीक है, यू हैव टू लुक एट द सिचुएशन एंड सेइंग ओके, आई एम लुकिंग. मैं बात कर रहा था, उसको टेक्स्ट किया, डीएम किया, उसने बात करी, सब अच्छा चल रहा था, एंड देन दिस 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 हैपेंड. क्या लुक करूँ मैं सिचुएशन में? हाँ, तो कहते मैं तो मस्त बंदा हूँ, अच्छा हूँ, स्वीट हूँ, क्या दिक्कत है? तो हम क्या, हम किस चीज़ पे फोकस करें? हम यही कह रहे हैं ना कि सर आप तो अच्छे हो, हमने मान लिया आप अच्छे हो, बट देर इज प्रॉबली समथिंग दैट इज इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ पार्टनर यू हैविंग, है ना. वो लड़की जैसी भी हो, पर आपकी तो, आपकी भी तो चॉइस बार बार वही हो रही है ना, तो ये क्या है? एंड अगर आपसे कोई डायरेक्टली ये सवाल पूछे, डू यू थिंक आपके पास एक प्रॉपर आंसर होगा? होगा नहीं होगा ना. तो हम क्या, यूज दिस एग्जाम्पल एंड टेक इट ऑन प्रोजेक्टिव टेस्ट. कि नाउ वी आस्क दिस पर्सन कि लिसन, हम आपको एक टेस्ट देंगे, इट्स कॉल्ड थीमैटिक एपरसेप्शन टेस्ट, TAT. एंड आपको हम सिचुएशंस देंगे उसमें, एंड यू हैव टू सॉर्ट ऑफ मेक अ स्टोरी अराउंड इट. हम आपको बोलेंगे कि इसमें एक हीरो बताओ, इसमें एक सिचुएशन बताओ, हीरो की नीड क्या है, आउटकम्स क्या हो सकते हैं, ऐसे 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 करके आप हमारे लिए एक स्टोरी बनाओ. एंड दिस पर्सन मेक्स अ स्टोरी, एंड नाउ इमेजिन दिस क्लाइंट ऑफ योर्स, ही सेज कि ओ यू नो वॉट, द हीरो ही रियली वॉन्ट्स टू यू नो बी वेरी कूल एंड ही वॉन्ट्स टू बी वेरी बैड एज. एंड इसको हमेशा ऐसी, मेरे को इसको हमेशा वो लड़कियाँ पसंद आती है जो बहुत स्पॉटलाइट में रहती है, जिसको सब चाहते हैं, बट इस हीरो को है कि वो सब उसको चाहते हैं, बट मैं उसको पाऊँ, लाइक शी बिकम्स माय गर्लफ्रेंड. तो ऐसी 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 वो स्टोरी बनाता है. फिर आप पूछते हो कि अच्छा, स्टोरी में प्रॉब्लम क्या आ रही है? वो स्टोरी में प्रॉब्लम ये कहता है कि मैं, हमारा जो हीरो है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा हीरो कभी लड़की से बात ही नहीं करता. वो पहले एज्यूम कर लेता है, वो यू नो लव एट फर्स्ट साइट, कि लव एट फर्स्ट साइट वाली सिचुएशन है, कि भाई वो देखता है कि अच्छा, इसको तो सब पसंद करते हैं, सुंदर है, पॉपुलर है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, पर्सनैलिटी के भाड़ में मेरे को तो ये गर्लफ्रेंड बनानी है, ठीक है, फाइन. हम कहते हैं अच्छा, और क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारे हीरो को? तो वो कहते हैं कि अच्छा, हमारा हीरो क्या करता है कि जो उसकी पर्सनैलिटी है ही नहीं, वो जैसा सपोज ही इज सॉर्ट ऑफ अ शाय गाय, ठीक है, एंड ही लाइक्स टू रीड बुक्स, कोई खराबी नहीं है इसमें बाय द वे, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है. तो एंड ही इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट टू दिस गर्ल, ही इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट टू वॉट शी लाइक्स. एंड बट वो क्या करता है कि वो सामने जब भी आती है, वो प्रटेंड करते हैं कि भाई मैं तो कैसिनोवा हूँ, मैं गिटार लेके आऊँगा, गुलाबी आके गाऊँगा, ठीक है. अब somehow हम कहते हैं कि अच्छा, आउटकम क्या हो रहा है स्टोरी का? तो कहते हैं आउटकम ये हो रहा है कि दिस गाय जो हमारा क्लाइंट है, या हीरो है, जो क्लाइंट स्टोरी बता रहे कि हमारा जो हीरो है, आउटकम ये आ रहा है कि वो लड़की तो बटा लेता है, द गर्ल बिकम्स हिज गर्लफ्रेंड, बट नाउ शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन हिम, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उसने प्रिटेंड कर लिया, बट अब उसको वो पसंद ही नहीं आ रहा है. उसको लग रहा है कि भाई क्या बंदा है ये, कुछ बात ही नहीं करता, कुछ करता ही नहीं, कुछ इसमें है ही नहीं, दम नहीं है, कुछ नहीं है. एंड देर आर अदर पीपल हु अलाइन मोर विद हाउ शी इज़, ठीक है. एंड देन हमारा जो हीरो है, उसने भी उस बंदी से कभी बात की कि वो एक्चुअली कैसी है? वी डोंट नो, राइट, ही डजंट नो. तो इवेंचुअली क्या होता है, वही सिचुएशन होती है. अब अगर ये क्लाइंट आपकी स्टोरी सुनाता है, तो आप क्या सोचोगे? एग्जैक्टली. बट अगर हम डायरेक्टली हम अपने क्लाइंट से पूछें कि भाई बता क्या इशू है, ऐसा तू क्या कर रहा है, तो ही वॉन्ट ही गेट डिफेंसिव कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा हूँ,
मैं तो स्वीट हूँ, मैं तो सब करता हूँ, लड़कियों में ही दिक्कत है, डिफेंसिव हो जाते हैं ना हम सब. सो दैट इज़ वेयर प्रोजेक्टिव टेस्ट्स कम इन टू यूज़. हम कहते हैं कि आपकी अनकॉन्शियस है जो बहुत रिच है, वो आपको हर तरह से इन्फ्लुएंस करती है, फ्रॉम योर चॉइस इन पार्टनर्स टू चॉइस इन द सब्जेक्ट्स यू टेक टू एवरीथिंग. एंड बिकॉज इट्स अनकॉन्शियस, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, एंड इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, यू कॉन्ट रेक्टिफाई इट. सो योर जॉब बिकम्स एज अ साइकोलॉजिस्ट कि आप उसके अनकॉन्शियस को समझो. पहले आप खुद समझो, पहले उसको एक टेस्ट के थ्रू आप समझो. आप समझे तो आप उनकी प्रॉब्लम से उसको कनेक्ट करो, एंड वंस यू कनेक्टेड इट टू द प्रॉब्लम, ओनली देन कैन यू ब्रिंग इट फॉरवर्ड टू द क्लाइंट कि लिसन ब्रदर. यू अनुराग टेल्स हिज क्लाइंट कि लिसन ब्रदर, एवरीथिंग इज गुड, बट छोटे सा इशू आ रहा था. फिर वो समझाएगा धीरे धीरे. उसमें भी आप एकदम से तो सब कुछ नहीं बोल दोगे ये आप ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला. धीरे धीरे आप उसको समझाओगे, है ना, धीरे धीरे आप समझाओगे, धीरे धीरे वो समझेगा भी, धीरे धीरे उसे लगेगा भी कि ओके मे बी वॉट यूर सेइंग इज समवट करेक्ट, है ना. एंड दैट इज हाउ वर्क हैपन्स इन थेरेपी. सो नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग कि वाई क्लिनिकल असेसमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट? आर यू अंडरस्टैंडिंग वाई प्रोजेक्टिव टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट? एंड आपको समझ आ रहा है कि हम नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट का फ़ायदा है बट उसका डीमेरिट क्या है? आप समझ रहे हो? बोलो भाई, यस नो कुछ. एंड प्रोजेक्टिव टेस्ट का क्या फ़ायदा है वो भी आप समझ रहे हो, है ना. अब इसमें एक डीमेरिट ये भी है कि इसमें जैसे कि इट्स कॉन्शियस ऑब्जेक्टिव अनकॉन्शियस सब्जेक्टिव. माना कि मैं आप सब बहुत ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट बनोगे बट इंसान ही हो, गलतियाँ हो जाती है. समटाइम्स वी ओवर एनालाइज कि उसने ये बोला उसका मतलब ये होता है, उसका ऐसा होगा वैसा होगा मे बी, एंड दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल. इट्स जस्ट उसने जो बोला उतनी बात थी, उतना उसने भी सोचा नहीं. तो दैट्स वन डीमेरिट ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट कि दे आर, एक तो दे आर सब्जेक्टिव, एंड वेन एवर देर इज सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या होती है? हाँ नहीं समझ रहे हो? अरे एक सेकेंड. हाँ सब्जेक्टिविटी से क्या आपको क्या लगता है, सब्जेक्टिविटी क्या होती है? हाँ आपसे ही पूछ रही हूँ मैम. हाँ अभी क्योंकि मैंने पूछा था समझ रहे हो आपने कहा तो बता तो अच्छा आपको नहीं समझ आया, कुछ भी समझ नहीं आया मैं इतनी देर से जो बोल रही थी. अच्छा तो उससे कनेक्ट करो थोड़ा सा, कनेक्ट तो करो. मैंने बोला क्या अभी? जस्ट कम ऑन, यू स्मार्ट. मुझे तो खुद याद नहीं भाई मैंने क्या बोला था. अरे अच्छा ठीक है आपने सुना नहीं, बट अब खुद से थोड़ा सा तो, इट्स अ सिंपल वर्ड, जस्ट थिंक व्हाट इज सब्जेक्टिव. हाँ ठीक है कूल, सब्जेक्ट है. अब आगे बढ़ो से, सब्जेक्ट तो हमारा एक इंसान है तो सब्जेक्टिव क्या हो सकता है? हाँ गुड गुड. तो सब्जेक्ट की जो सिचुएशन होगी क्या वो सेम होगी कि अलग होगी? हाँ सेम होगी कि अलग होगी? हाँ वेरी गुड. तो दैट इज वॉट सब्जेक्टिव इज ना, डिफरेंट, बिकॉज एवरीबडी इज डिफरेंट. ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? सेम वन ट्रूथ. सब्जेक्टिव मतलब एवरीबडी इज डिफरेंट. सुनो थोड़ा समझो, इतना बोर्ड एक्सप्रेशन क्लास में मत दो, एंड मेरे बोलते बोलते आपस में बात मत करो, करनी है तो बैक सीट. थर्ड सेमेस्टर बी ए प्रोग्राम, ओके. So now that you've understood what projective tests generally are, we'll study about different types of projective tests. पहले तो हम कहेंगे कि projective test को भी हम different तरह से classify कर लेते हैं, ठीक है? These are all projective tests. Association.
कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन क्या कंप्लीशन एसोसिएशन प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या हो सकते हैं? एसोसिएशन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या हो सकती है? वेरी गुड वेरी गुड. तो हमारे क्या होते हैं दो और बहुत सारे होते हैं, बट एग्जाम्पल के लिए वी हैव टू एसोसिएशन टेक्निक्स. ओके, वन इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. एज द नेम सजेस्ट, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी होगी ना, देखिए उसमें वो सीन आता है, वो कहते हैं कि अच्छा मैं एक वर्ड बोलूंगा, तेरे जो दिमाग में आता है सबसे पहले वो बोल. तो दैट कैन बी टेकन एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, कि आप अपने पेशेंट को एक वर्ड देते हैं एंड यू आस्क कि सोचना नहीं है, जो चीज़ सबसे पहले दिमाग में आएगी यू जस्ट हैव टू से. तो आप देखते हो कि आप जैसे कोई ब्लू कहते हैं somebody says sky, तो आप समझ सकते हो कि ब्लू से उन्होंने क्या एसोसिएट किया, स्काई एसोसिएट किया. somebody says फर्स्ट बेंच, they say बोरिंग, समझ रहे हो क्या एसोसिएट करे? कोई कहता लास्ट बेंच, कहता इंटरेस्टिंग, समझ रहे हो ना? somebody says फर्स्ट बेंच इंटेलिजेंट. अब दो डिफरेंट चीज़ें दो डिफरेंट लोग कर रहे हैं ना एसोसिएट, तो दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिविटी. ओके, डिफरेंट पीपल डिफरेंट एक्सपीरियंस डिफरेंट आइडियाज थॉट्स. तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट इज वन एग्जाम्पल जिसमें आप एक वर्ड देते हो एंड उससे जो आता है दिमाग में वो बोलते हैं. अनदर इज इंक ब्लॉट टेस्ट. इंक ब्लॉट टेस्ट कोई आइडिया है क्या होता है? इंक ब्लॉट टेस्ट, हैव यू हर्ड ऑफ एनी इंक ब्लॉट टेस्ट? रोरशाह टेस्ट सुना है किसी ने? रोरशाह टेस्ट, एवरी साइकोलॉजी स्टूडेंट इज द मोस्ट इंटरेस्टेड इन डूइंग रोरशाह टेस्ट. एनी आइडिया? बेसिकली जैसे हम बात कर रहे थे इमेजेस की, सो देयर वाज दिस गाय, हिज नेम वाज हर्मन रोरशाह. तो उसने क्या किया, उसने ऐसे स्क्वेयर्स लिए ऑफ वाइट पेपर एंड ही स्प्रेड इंक ओवर देम एंड व्हाट ही डिड, उसने एक पेपर के ऊपर दूसरा पेपर ऐसे चिपका दिया एंड ही लेट देम सोक ऑल द इंक एंड फिर उसने धीरे से ऐसे दोनों पेपर्स को खोला. तो एक सिमेट्रिकल इमेज बन गई ना दोनों पे, कुछ 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 कुछ, बट उसमें उसने कोई इमेज बनाई क्या? नहीं ना, सम रैंडम इमेज ओनली. तो ऐसे 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 करके उसने 10 कार्ड्स बनाए, ठीक है, 10 कार्ड्स ऑफ डिफरेंट इमेजेस एंड विच वर एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट समझते हो, मतलब कुछ भी, इट्स इमेजिनेटिव, इट्स नॉट डेफिनेटिव. उसमें क्लाउड हाउस ऐसे उसने ड्राइंग नहीं करी है, उसने बस इंक से जो इंक के इंप्रेशन आ गए उसने वो बनाए और ऐसे 10 कार्ड्स बनाए. अब वो स्टैंडर्डाइज हो गए, वो 10 कार्ड्स हर बार नहीं बनते, 10 ऐसे कार्ड्स हैं. एंड व्हाट हैपेंस इज कि हम अपने क्लाइंट को वो कार्ड दिखाते हैं एंड वी होल्ड अप दैट कार्ड एंड वी से कि व्हाट डू यू सी इन दिस. हम ऐसे दिखाते हैं, हर ऐसी आगे पीछे करके हम वी शो कि व्हाट डू यू सी इन दिस एंड देन दे टेल कि अच्छा आई कैन सी दिस आई कैन सी दैट. वी आस्क कि व्हाई कैन यू सी दैट वेयर कैन यू सी दैट. तो ऐसे ऐसे करके वी गो थ्रू 10 डिफरेंट कार्ड्स जिसमें वो अपनी इंटरप्रिटेशन देते हैं. क्या करते हैं वो? प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना. द कार्ड बिकम्स द ब्लैंक स्क्रीन, द क्लाइंट बिकम्स द VCR. कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट अपनी मूवी उस कार्ड पे, बता रहे कि ये दिखता है वो दिखता है. एंड वंस ऑल द कार्ड्स आर डन देन वी स्कोर एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. उसका भी एक प्रॉपर पैटर्न होता है, वो आगे वील स्टडी, बट दैट्स कॉल्ड एन इंक ब्लॉट टेस्ट. इंक यूज हो रही है, ब्लॉट मतलब उस पर एक निशान पड़ गया है ना, एंड वो टेस्ट है हमारा यूजिंग इंक का ब्लॉट. तो दैट्स वॉट इंक ब्लॉट टेस्ट. उसका एक एग्जाम्पल इज रोरशाह टेस्ट. नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन टेक्निक. कंस्ट्रक्शन से आप समझ ही रहे हो, कुछ बना रहे हैं हम, है ना. एसोसिएशन में तो हम बस पूछ रहे थे क्या आपको लगता है, कंस्ट्रक्शन में हम कुछ कह रहे हैं कि आप करो आप बनाओ. तो वन एग्जाम्पल जैसे हमने अभी दिया TAT थीमैटिक ए परसेप्शन टेस्ट. अभी जैसे एग्जाम्पल दिया था मैंने कि वी गिव अ सिचुएशन, वी गिव एन इमेज, वी आस्क अ हीरो स्टोरी बनाओ, सॉरी वी आस्क अ क्लाइंट की स्टोरी बनाओ जिसमें देर हैज़ टू बी अ हीरो, देर हैज़ टू बी अ सिचुएशन, देर हैज, बिल्कुल मूवी के जैसे ही कि हाँ स्पाइडरमैन में
अच्छा कौन सी ये कौन सा टेस्ट हाँ अच्छा हाँ तो वो कौन सा टेस्ट हुआ ये थीमैटिक एक परसेप्शन टेस्ट लिखा है ना TAT स्टोरी बताओ हाँ बट गुड बट इट्स स्ट्रक्चर्ड हम उन अच्छा आप में से किसी ने कभी CDS के लिए प्रिपेयर मतलब NDA CDS सोचा है प्रिपेयर करने के लिए CDS आर्मी हाँ डिफेंस का एग्जाम सोचा है कभी किसी ने नहीं पुलिस का नहीं मैं उसका CDS NDA ही पूछ रही हूँ नहीं दिया किसी ने नहीं दिया अच्छा बट जैसे कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड से पूछो हाँ प्रोजेक्टिव हुआ ना तो अगर आप में से कोई कभी इन फ्यूचर डिसाइड्स टू गो इन द आर्मी फर्स्ट यू हैव टू क्लियर द टेस्ट ओके व्हेन यू क्लियर दैट टेस्ट दे विल कॉल यू फॉर एन SSB व्हिच इज इंटरव्यू बेसिकली एंड उसमें पहला जो राउंड होता है दैट्स एक्चुअली द साइकोलॉजिकल राउंड उसमें आपका इंटरव्यू भी होता है बट ऑल्सो दे मेक यू डू TAT they give you a story they give you a image they ask you to make a story to aapko lagta hai ki agar sirf psychology ya patients ke tak hi rehta hai ye sare test so that's not true all the army cadets they have to go through this test and not just this there's another test called PFT picture frustration test again as the name suggests ki hum again ek image dete hain khali aadhi khali image hoti hai ek frustrating image hoti hai जिसमें एक बबल समझ रहे हो वो कार्टून वाला जो बबल होता है ना एक बबल खाली होता है एक बबल में कुछ कुछ लिखा होता है ठीक है एंड देन वी गिव इट टू द क्लाइंट और हूएवर इज इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी आस्क देम कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन एंड इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन ठीक है तो वी आस्क यू व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन व्हाट डू यू थिंक दिस अदर ये जो खाली बबल है इसको आप फिल करो कि आप क्या करोगे तो एंड उसमें भी वी अंडरस्टैंड कि सम पीपल आर वेरी अपना एग्रेशन बिल्कुल सामने से दिखाते हैं कुछ लोग थोड़ा पैसिव एग्रेसिव लास्ट टाइम हुई थी इसकी बात पैसिव एग्रेसिवली दिखाते हैं कुछ लोग डाउन प्ले करते हैं दे फील फ्रस्ट्रेटेड बट दे वोंट शो दैट एंड दैट ऑल्सो कैन बी टेस्टेड थ्रू दिस टेस्ट ये नहीं कि हमें क्लाइंट को लगता है कि मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ पर मैं इनको क्यों बताऊँ मैं क्यों बताऊँ कि मैं जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ बट दैट ऑल्सो वी टेस्ट थ्रू दिस हमें समझ आता है हम इस तरह से उसको स्कोर करते हैं इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि वी अंडरस्टैंड क्योंकि अभी ये बंदा डाउन प्ले कर रहा है ये भी समझ आता है कि अच्छा दिस थिंग इज नॉट एक्चुअली दैट फ्रस्ट्रेटिंग फॉर हिम बट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि दिस थिंग इज फ्रस्ट्रेटिंग बट इज डाउन प्ले वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये जो हमारा क्लाइंट है ये अपना एग्रेशन आउटवर्डली दिखाता है कि इनवर्डली दिखाता है कोई सिचुएशन आती है तो वो ऐसा वो ये वो सब खराब है ऐसे ऐसे करता है कि डज ही बिकम कि नहीं यार मेरी गलती है मैं ही हमेशा ऐसे करता हूँ मैं ही बुद्धू मैं ये वो दैट्स इनवर्ड एग्रेशन है ना सो थ्रू दिस टेस्ट अगेन वी आर नॉट आस्किंग मैं पूछूंगी आपसे कि डू यू गेट फ्रस्ट्रेटेड इजीली आप क्या कहोगे नो मैं क्यों कहूँ मतलब आप क्यों कहूँ मैं क्यों कहूँ कि मैं कितनी जल्दी फ्रस्ट्रेट होती हूँ तो अगेन प्रोजेक्टिव टेस्ट हम अनकॉन्शियस कर रहे हैं उनकी सर्च हम उनसे इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन टेस्ट बिकॉज वी आर आस्किंग देम टू कंस्ट्रक्ट TAT ऑल्सो विल डू इन अ वाइल PFT समझ रहे हो पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट वाई इज इट अ कंस्ट्रक्शन टेस्ट Why is not an association test? अभी समझाया मैंने हाँ गुड वो बबल फिल कर रहा है वी आर आस्किंग हिम टू फिल द बबल तो वो कुछ काम कर रहा है कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो स्टोरी कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो दैट इज द PFT मैं लिखी ठीक है नेक्स्ट इज कंप्लीशन टेस्ट सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट सुना होगा वेरी बेसिक इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत है नहीं एक आप उनको पूछते हो कि जस्ट कंप्लीट दिस सेंटेंस आप स्टार्टिंग का कुछ बोल देते हो कि ऑन माय बर्थडे नाउ यू हैव टू कंप्लीट तो दैट्स व्हाट अ कंप्लीशन टेस्ट है ना एंड लास्ट इज द एक्सप्रेसिव टेक्निक्स ये यूजुअली हम बच्चों के साथ यूज करते हैं अब जो छोटे बच्चे होते हैं वो इतने ज़्यादा
उनके पास ना वोकैबलरी होती, ना उनको इतना समझ आता है कि क्या चीज़ है, क्या क्या है, उनको क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। आप उनसे बातें करोगे, वो कहेंगे मैम आपको रेड लेस पसंद है, ब्लू लेस पसंद है। ऐसे ही होता है, मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ। तो उनके साथ हम क्या करते हैं, वी डू एक्सप्रेसिव टेक्निक। सो मैं हाँ तो व्हेन आई वाज डूइंग एन इंटर्नशिप बेसिकली एनजीओ में था, एंड एनजीओ में इट वाज फॉर ऑर्फन्स एंड कुछ ऐसे बच्चे जो सॉर्ट ऑफ डे केयर के लिए समझ लो आते थे। कुछ ऑर्फन्स थे तो उनके पेरेंट्स ऐसे छोड़ के चले जाते थे, मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड्स, ठीक है, वे एक्सट्रीमली पुअर बैकग्राउंड्स। तो हम उनसे बातचीत कर रहे थे, एंड ऑब्वियसली अब मैं उनके साथ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट तो या फिर थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि वो इधर से उधर चले जाएंगे। सो व्हाट वी डिड, आई आस्क्ड देम टू ड्रॉ अ हाउस, आई आस्क्ड देम ड्रॉ योर फैमिली, ठीक है। तो व्हाट दैट दिस स्मॉल चाइल्ड जिससे मैं बात कर रही थी, ठीक है, उसने क्या किया, वो बड़े एक्साइटेडली गया, मैम पेपर पेन ये वो कलर वगैरह, मैंने कहा कर भाई तेको जो करना है कर। फिर वो शुरू करा ड्रॉ करना, एंड देन ही समहाउ स्टार्टेड ड्रॉइंग ऐसे फिशेस, ठीक है। तो उसने अपनी फैमिली फिशेस जैसी बनाई, एंड फिर उसने जब पूरी पूरी बना दी कहता हाँ डन, तो मैंने कहा व्हाट इज़ इट, मतलब क्या है ये, आपने क्या बनाया। तो कहता मैम ये सारी शार्क्स है, ये मेरी फैमिली है, ये सारी शार्क्स है। मैंने कहा अच्छा शार्क्स है सारी, कहता हाँ। मैंने कहा अच्छा कौन कौन है, तो उसने ऐसे तीन चार बनाए हुए थे। तो कहता ये फादर, मेरे फादर हैं, ये फादर शार्क, मदर शार्क, ये मैं हूँ और ये मेरी सिस्टर है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फादर क्या करते हैं, तो कहता फादर कुछ नहीं करते, वो मारते हैं बस। अब मैं उससे सीधा पूछूंगी तो वो कई बार बच्चे नहीं बताते, उन्हें समझ भी नहीं आता है, बट इसके थ्रू वो खुद बता रहे हैं ना, मैंने कुछ नहीं बोला कि फादर शाह कुछ नहीं करते, वो मारते हैं बस। अच्छा मम्मा तो रोती रहती है, मदर शार्क बस रोती है, फादर मारते हैं, मदर रोती है। मैंने कहा अच्छा तो बेबी शार्क आप ये जो आपने अपनी बने से कि ये क्या करता है, कहते मैं इधर आ जाता हूँ, मैं फिर खेलता हूँ, फिर कोई मुझे मिल जाता है तो मैं उनके पास चले जाता हूँ, फिर पापा कहीं से ढूंढ के ले आते तो फिर वो मारते हैं। मैंने कहा अच्छा। अब इस पूरे अच्छा फिर मैंने पूछा कि जो सिस्टर थी उसकी, मैंने कहा अच्छा ये इसका ये कहाँ पर होती है, आप तो खेलते हो ये क्या करती है। तो कहते ये तो घर पर ही होती है, कभी कभार अकेले ही होती है, इसको तो कोई देखता नहीं, कभी नेबर वगैरह जो आसपास रहते हैं वो आंटी आके ले जाती है फिर वापस कर जाती है। तो मैंने कहा कोई मम्मी वगैरह देखते नहीं, कहती नहीं मम्मा भी भाग जाती हैं कभी कभी। अब आपको मे भी सुनने में स्टोरी फनी लग रही होगी, बट नाउ इमेजिन कि वो बच्चा है एंड इज नॉट वेरी ओल्ड, ही वॉज मे बी 5-6 एग्जैक्टली, तो उनको भी अपनी एज नहीं पता होती, डोंट हैव बर्थ सर्टिफिकेट्स एंड ऑल। तो ये जो बच्चा हमारे डे केयर में है इसके साथ हम किस तरह से डील करें, उसके बिहेवियर को हम कैसे समझे। ही वॉज अ वेरी एग्रेसिव चाइल्ड, वो सारी चीज़ तोड़ता फोड़ता रहता था, ये वो कोई बात नहीं सुनता था कुछ, उसको 100 बार समझाओ कि बैठ जा नहीं बैठेगा, वो हर चीज़ लोग दूसरे बच्चों के क्रेयॉन्स तोड़ देगा, पेपर फाड़ देगा। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड थोड़ा सा कि उसकी कहाँ से आ रही है स्टोरी, कहाँ से उसका खुद के घर पर क्या हो रहा है, वो कहाँ से सीख रहा है ये सब कुछ। एंड देन सपोज यू आर देयर एज अ साइकोलॉजिस्ट, आप उस बच्चे से डील कैसे करोगे, आप उस बच्चे की सिचुएशन कैसे समझोगे। एंड वो इस उम्र में अभी कि उसे खुद अपनी सिचुएशन समझ नहीं आ रही है, वो अपनी सिचुएशन से डील भी नहीं कर सकता, उसके पास कोई, हम फिर भी थोड़े इमोशंस में हम अब हमारा कंट्रोल है ना, हम कुछ तो समझते हैं, वो 5 साल का बच्चा क्या समझेगा। तो एंड आपके पास एज अ साइकोलॉजिस्ट, आप एनजीओ में जाओगे, इवन अगर आपके क्लिनिक में आएंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे आएंगे एंड द पेरेंट्स वुड से कि इसको बिहेवियर इश्यूज़ हैं, इसको ये मतलब ये सुनता नहीं है कोई बात, ये काम नहीं करता सही से, ये बहुत ज़्यादा शाय है, ये घर से बाहर ही नहीं निकलता। एंड व्हेन यू टॉक टू दैट चाइल्ड, सीधी सीधे वो डायरेक्टली सच में कुछ नहीं बताते हैं, उनको लगता है कि भैया दीदी बातें कर रहे हैं, इनसे गप्पे मारो। फिर आप उनको एक्सप्रेसिव टेक्निक्स आप उनके साथ ज़्यादा यूज़ करते हो कि अच्छा ये ड्रॉ करो, ड्रॉ योर हाउस, ड्रॉ अ फैमिली, ड्रॉ अ पर्सन। इवन इफ यू आस्क देम जस्ट टू ड्रॉ अ पर्सन, there is actually a standardized method to even score that ki how somebody draws. hum to normally aise stick figure banate the na, ab isme bhi hum thoda sa thoda acche se banao, bilkul stick figure mat banao, draw a person and the way that client or usually a child draws, hum usse bhi score kar sakte ki oh if they are drawing a very big face and a very disproportionate body to there is a chance कि दे गेट अ लॉट ऑफ हेडिक्स, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ
इंजरी ऑन द हेड, उन्हें मारा जाता है, ठीक है. इफ समबडी मेक्स वेरी लॉन्ग आर्म्स और बॉडी इज एकदम नॉर्मल, आर्म्स इतने बड़े बड़े बनाए हुए, तो यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ओके देर आर वेरी इमोशनली, देर सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस. तो हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस, है ना. एंड ये बहुत बेसिक है, इसको आप इतना ऐसे मतलब जाके अपने फ्रेंड से कहना कि बना भाई इंसान मैं ऐसे नहीं होता, ठीक है. हर चीज़ एक सर्कमस्टांस में होती है, एक कॉन्टेक्स्ट में होती है, एंड हर चीज़ की जो स्कोरिंग मैनुअल होती है वो बहुत डिटेल्ड होती है, इतनी बेसिक नहीं होती है. मैंने आपको एक बेसिक वे में समझाई है. तो हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस, है ना. आप छोटे बच्चों से कैसे बात करो, आप कैसे और डील करोगे इसी मेथड के थ्रू. सो दैट्स कॉल्ड द एक्सप्रेसिव टेक्निक्स. इसमें आएगा ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट. H3P is house tree person, ठीक है. draw a house, draw a tree, draw a person. And वो किस तरह से ये तीन चीज़ें बनाते हैं, आप इससे assess करते हो कि how far are these three things. हाँ, very good. तो देखिए ना, तारे ज़मीन पर देखिए. तो अब ईशान की सिचुएशन किसी को समझ आ रही थी नहीं, उसमें क्या हम एज जो मूवी देख रहे हैं हमें तो दिख रहा है स्क्रीन पे, बट उसके खुद के फैमिली पेरेंट्स किसी को समझ, उसका फील कैसा हो रहा है नहीं. बट वेन वो आमिर खान उसकी देखता है कि हाउ इज गोइंग अवे स्लोली फ्रॉम हिज फैमिली, तो ये अंडरस्टैंड्स कि ओके ही इज फीलिंग वेरी लोनली, ही इज फीलिंग अबैंडन्ड, ही इज फीलिंग रिजेक्टेड, ही इज फीलिंग कि उसकी फैमिली ने उसे डिसोन कर दिया. तो उसको वो समझ आता है, तभी तो वो उस बच्चे से डील कर पाता है. समझ नहीं आएगा तो आप डील कैसे करोगे. सो दोज आर कॉल्ड एक्सप्रेसिव टेक्निक्स, यूजली यूज ऑन चिल्ड्रन. इतना समझ आया? तो यहाँ पे करें, कहाँ पे करें, यहीं पे करते हैं. तो नाउ वी डू वन टेस्ट. टाइम क्या हुआ है? अच्छा चलो, इतना समझ लो. वी डू वन टेस्ट, रोशा टेस्ट, मतलब वील अंडरस्टैंड अबाउट इट, वी वोंट डू इट. बट जैसे मैंने पहले बोला, इसमें 10 कार्ड्स होते हैं, ठीक है. 5 आर क्रोमैटिक, 5 आर ए क्रोमैटिक. समझ रहे हो? क्रोमैटिक, ए क्रोमैटिक क्या होता है? वेरी गुड. क्रोमैटिक मतलब कलरफुल, नॉन क्रोमैटिक मतलब ब्लैक एंड वाइट, ठीक है. एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जो 10 कार्ड है इसमें दो इम्पॉर्टेंट कार्ड्स है, कार्ड नंबर 4 एंड कार्ड नंबर 7. जो कार्ड नंबर 4 है दैट्स कॉल्ड द फादर कार्ड, एंड जो कार्ड नंबर 7 है दैट्स कॉल्ड द मदर कार्ड. जो फादर कार्ड है दैट इज यूज्ड हर एक, जो आप अगर डिटेल में अभी नहीं, मास्टर्स वगैरह में जब आप पढ़ेंगे तो हर एक कार्ड है वो कुछ चीज़ असेस करता है. कोई आपकी एन्जाइटी, पैरानोया, ये सब के पैरामीटर्स चेक करता है. कोई चीज़ आपकी रिलेशनशिप खुद से और उसे ये चेक करता है. जो कार्ड नंबर 4 है विच इज़ फादर कार्ड, इट चेक्स डोमिनेंस. नॉट जस्ट हाउ डोमिनेंट यू आर और यू आर नॉट, बट ऑल्सो हाउ यू डील विद अथॉरिटी, हाउ यू डील विद समबडी डोमिनेटिंग यू, हाउ डू यू डील इन सच अ पावर स्ट्रगल वाली सिचुएशन जो होती है, आप उससे कैसे डील करते हो. एंड जो कार्ड 7 है दैट्स कॉल्ड द मदर कार्ड, दैट्स अगेन टॉक्स अबाउट योर रिलेशनशिप्स, यूजली विद विमेन, कि आपकी कैसी रिलेशनशिप है जनरली, ऑल्सो लोगों के साथ आप कैसे डील करते हो. एंड मोर फोकस इज ऑन द विमेन, कि आप व्हाट्स योर रिलेशनशिप विद विमेन, डू यू थिंक दैट दे आर नाइस गुड पीपल, डू यू थिंक नहीं सारी चुड़ैल होती है, है ना. तो दैट इज कार्ड नंबर 7. इसमें दो चीज़ें और होती है, लैम्डा इंडेक्स. लैम्डा इंडेक्स इज बेसिकली कि आप जब इतने सारे कार्ड्स देते हो उनको, और ज़रूरी तो नहीं है कि आपने कार्ड में अगर ऐसे एसिमेट्रिकल सा होता है ना, मतलब सिमेट्रिकल होता है पर एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, तो ज़रूरी तो नहीं है कि आपका क्लाइंट वो हर एक चीज़ ही उसमें पकड़ पकड़ के ये यहाँ दिख रहा है ये वहाँ दिख रहा है. हम भी क्या करते हैं, हम यूजली एक चीज़ पर ही फोकस करते हैं ना. मूवी में भी कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, हम एक चीज़ पर अक्सर फोकस करते हैं. तो लैम्डा इंडेक्स इज बेसिकली यूजफुलनेस इंडेक्स, कि हमारा जो क्लाइंट है उसने उन कार्ड्स का कितना यूज़ किया. उसने सिर्फ बहुत छोटी 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 चीज़ों पे ही फोकस किया, कि उसने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी. तो दैट्स कॉल्ड द लैम्डा इंडेक्स. ओके, बाकी हम
दूसरी क्लास में करेंगे, अभी टाइम हो गया है। अब ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है कि बायो में पढ़ाऊँ, ये मेरे हाथ में नहीं है ना, वो जिसको क्लास असाइन हुई है वो ही करेगा, एंड बाकी जो सीनियर फैकल्टी है वो देखेंगी। इवन आई लाइक बायो साइक, तो आया ही पहली बार है, किसको बुद्धू बना रहा है? हो गया अटेंडेंस, हो गया। यू हैव अ क्लास वैसे अभी, एक और क्लास है अभी। हाँ ठीक है, अभी ये टॉपिक नेक्स्ट डिसऑर्डर्स। हाँ प्रोजेक्टिव नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट में हम सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री कर देते हैं किसी को, तो हम रेंजेस के थ्रू एनालाइज कर लेते हैं रिजल्ट। रेंजेस होती है ना, हाँ 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 हाँ। प्रोजेक्टिव टेस्ट में कैसे किया जाए? प्रोजेक्टिव टेस्ट की भी जैसे अभी हम रोशा करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, बट इन सब की भी स्कोरिंग मैनुअल होती है। अच्छा, इनकी भी स्कोरिंग? स्कोरिंग ये आप कभी देखोगे तो ये बहुत लंबे टेस्ट होते हैं, इसको बहुत टाइम लगता है करने में। एक सेकेंड, वो कहाँ है दूसरी अटेंडेंस? उसमें आप उनको एक इमेज देते हो, वो ऑलरेडी एक इमेज कुछ बनी होती है, जैसे कि आप करना गूगल करना आपको एक मिल जाएगी, जैसे कि एक इमेज है जिसमें एक ऐसा लग रहा है कि एक लेडी है, एंड वो एक एंगल से वो आपको ओल्ड लगेगी, एक एंगल से आपको यंग लगेगी, तो आप उनको कहोगे कि अब इसके ऊपर इमेज बनाओ, तो दैट मतलब इसके ऊपर एक स्टोरी बनाओ, तो दैट्स ऐसे देते हैं उसको, ठीक है। एंड फिर अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में दोनों करेंगे। हाँ, तो रोशा में क्या होता है कि उसको भी स्कोरिंग की, जैसे आप यू कैन सर्च दिस कॉल्ड एक्सनर स्कोरिंग मेथड, एक्सनर स्कोरिंग मेथड, तो उसका मेथड हम यूज़ करते हैं कि कैसे इसको स्कोर करेंगे। इवन तो लोग बहुत डिफरेंट रिस्पॉन्स देते हैं, बट उन्होंने प्रॉपर एक इन्वेंटरी बनाई कि इस चीज़ पे क्या क्या रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं, उसमें हम फर्दर देखते हैं कि अच्छा ये रिस्पॉन्स इस पर्टिकुलर चीज़ के हिसाब से जायज़ है कि इट डजेंट मेक सेंस, तो फिर नोटिस करते हैं कि अच्छा इफ दिस डजेंट मेक सेंस एंड ये जो हमारा क्लाइंट है ये बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सेज दे रहा है जो नहीं होने चाहिए, और भी बहुत फैक्टर्स होते हैं, वी स्टडी दैट आगे। बट यू थॉट इन इंक ब्लॉट टेस्ट, रॉस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंक ब्लॉट टेस्ट ना, बहुत शोर आ रहा है। इंक ब्लॉट टेस्ट बेसिकली दो तरह, एक और इंक ब्लॉट टेस्ट होता है बट दैट्स नॉट दैट फेमस, तो हम वो नहीं करते, ठीक है। तो क्या नाम है, आपने कुछ एब्स्ट्रैक्ट का बताया था आपने? अब हाँ, एब्स्ट्रैक्ट इमेज होती है, मतलब कोई अब मैं कुछ भी यहाँ पे ऐसे 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 ड्रॉ कर दूँ, कुछ इसमें मतलब तो नहीं है ना, मैंने तो ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, पर अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसमें क्या है, तो दैट इज़ वॉट रोशा में हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर में से क्लाउड बना के आपसे पूछती नहीं हो कि ये क्लाउड है कि नहीं, मैं ऐसे 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 कुछ बना दिया, अब मैं कहूँ आपको क्या दिखता है, फिर आपको ये क्लाउड है, तो ऑलरेडी एक ड्रॉ इमेज में ऑलरेडी एक इंक ब्लॉट होता है। हाँ, इमेज एक ऑलरेडी, आप अभी गूगल कर लेना रोशा कार्ड, मैं ये दिखा, क्रोमैटिक मतलब कलरफुल, एक क्रोमैटिक मतलब नॉन वाइट, जैसे कि ठीक है। अब इसमें एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें कुछ पर आपको कुछ 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 तो दिखेगा ना, जैसे somebody sees it's a moth, somebody sees it's a bat है ना, तो somebody sees ये सामने एक फिगर है वो अपने विंग्स फैला के खड़ा हो, तो दैट्स कॉल्ड अ रोशा, ठीक है।
कि ये एक प्रॉपर इमेज नहीं है, बस एक ब्लॉट है इंक का, एंड मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसमें क्या आपको, ठीक है? दैट इज़ योर ऑप्शन. मैं अभी ना नेक्स्ट क्लास में आके समझाऊंगी अच्छे से, ठीक है?